आप चिंता ना करिए, हम आपको यहाँ से बाहर निकाल देंगे। यमसी, मैं आपको इन दोनों की मोबाइल से खींची फोटो की फोटोकॉपी देता हूँ, ढूंढने के काम आ जाएगी। धन्यवाद, और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि कुछ भी हो जाए, हम उस रघु शास्त्री को अब ढूंढ के निकालेंगे। मरे हुए आदमी का तस्वीर दिखाते हैं, पूछते हैं कहाँ मिलेगा। अगर ये जिंदा होता तो आगे वाली गली के चौथे मकान में मिलता। भाई साहब को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ पहुंचे। भाई साहब को खबर देनी पड़ेगी। रघु भाई, आपकी कसम गजब हो गया। अबे आप क्या हो गया, कौन मर गया? नौटंकी शुरू करो। प्रभु, लगता है पंडित जी ने यही पता बताया था। हाँ चित्रगुप्त जी, जगह तो यही लग रही है। चल के रघु को ढूंढे। चलो उतारो जल्दी जल्दी अपने कपड़े, चेंज करो। मैं इस दुनिया का पहला आदमी होऊंगा जो अपनी मैयत पर बैठा हुआ है। अगर उन दोनों ने मुझे देख लिया ना तो बुरे फंस जाएंगे। कसम से भाई, कुछ नहीं होगा आपको। तू बार बार मेरी कसम क्यों खाता है? भाई आप दर्जनों बार मर चुके हैं, एक बार भी कुछ हुआ है? चिंता मत करो, आपको कुछ नहीं होने वाला। ये सब तो उस आदमी का शोक मना रहे हैं जो अभी तक मरा ही नहीं। हाँ चित्रगुप्त जी, हमें इन सभी को सच्चाई से अवगत कराना होगा। हाँ प्रभु। प्रणाम महाराज। प्रणाम। प्रणाम महाराज। आइए आइए चित्रगुप्त जी। महाराज बैठे। नहीं मनुष्य, हम बैठेंगे नहीं। हम आप सभी से कुछ कहना चाहते हैं। मनुष्यों शांत हो जाओ। हम आप सभी को एक खुशखबरी देना चाहते हैं, और वो ये कि आप जिसके लिए शोक मना रहे हैं वो अभी जीवित हैं। नहीं देवी, आप हमारी बात समझी नहीं। वो अपने दिल से जिंदा है, बिल्कुल स्वस्थ है। इतने स्वस्थ कि उन्होंने अपने बुरे कर्म भी जारी रखे हैं। अरे कैसे बातें कर रहे हैं आप? अरे देव का जैसा था हमारा भाई रवि शास्त्री, मतलब रघु शास्त्री। और कैसे बुरे कर्म भाई, क्या वो लुच्चा था, लफंगा था, बदमाश था? देवी, उनके बुरे कर्म के बारे में हम क्या बताएं? चोरी, लगातार चोरी, चोरी के ऊपर चोरी, धोखाधड़ी,
उन्हें तो इसका अंदाजा भी नहीं है कि वो जब असलियत में यमलोक आएंगे तो ये बुरे कर्म उन पे कितने भारी पड़ेंगे। वैसे मनुष्यों, हम ये जानना चाहते हैं कि आप सभी ने अपने मुख ढके क्यों हुए हैं? वो हमारे यहाँ रिवाज है ना, रिवाज कि जब तक मतलब मरने वाले का 40वां ना हो जाए हम लोग अपना इस चेहरा ढक के रखते, किसी को दिखाते नहीं। 40वें पुत्र कुछ ज्यादा नहीं हो गया? बहुत हुआ, हमारे इतना शरीफ भाई मर गया, बड़ा मजाक बना रहे हमारे पापा का, तेरे की बहुत बुरा आदमी था, देखो मैं कह देता हूँ तुम दोनों से नहीं आते चले जाओ। वरना वरना यहाँ एक नहीं दो और मातम मन रहे होंगे। हाँ दो मातम और किसका पुत्री? तुम दोनों का और किसका? हाँ तुम दोनों का। हमारा मातम? नादान मनुष्य प्रभु नादान। हमारा मातम। देखो मनुष्य, हम तो आपको एक खुशखबरी देने आए थे कि रघु शास्त्री जी अब भी जीवित हैं, किंतु आप लोग तो बिना कारण के हम पर क्रोध कर रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ रघु शास्त्री जी को ढूंढने में जुट जाइए। हम जानते हैं कि वो इस दुनिया में नहीं रहा। ठीक है पुत्री, यदि आप हमारी बात मानना नहीं चाहती हैं, तो ना करें। तो हम आपको बता देते हैं, कुछ भी हो हम जीवित रघु शास्त्री को ढूंढ निकालेंगे। चलिए चित्रगुप्त, जाइए जाइए। चलिए प्रभु। यार ये दोनों तो मेरे पीछे हाथ धोकर भिड़ गए। इससे पहले कि ये दोनों मुझे ढूंढ पाए, इन दोनों को ऐसे जगह पहुंचाऊंगा ना जहां से इनके निकलना मुश्किल हो जाए। चित्रगुप्त जी, प्रभु हमारा मन नहीं मान रहा। ये मनुष्य मानने को तैयार नहीं थे कि रघु शास्त्री जीवित है। शंका तो हमी भी हो रही है महाराज, लेकिन जब तक हम रघुपुत्र को नहीं ढूंढते तब तक साबित कुछ नहीं कर पाएंगे। ढूंढेंगे चित्रगुप्त जी, अवश्य ढूंढेंगे। आइए। हाथ में कुछ नहीं है फिर भी झूठ नहीं बोलेंगे नानी जी। अगर आपने हमको अपने सपने के बारे में पहले ही बता दिया होता ना तो हम फौरन हवन करवा देते। हाँ और भाभी, अगर आप ही हवन करा लेती ना तो हो सकता है कि बलदेव भाई साहब पर ये प्रॉब्लम आने से पहले ही सॉल्व हो जाता। लेकिन आप हमारी माने तब ना। प्रताप जी, मैंने तो अपना दाकड़ से दाकड़ कांटेक्ट यूज करया, पर यो केस इतना पेचीदा है ससुरा कोई हाथे लगाने तैयार नहीं। वैसे तो मेरा भी एक कजन डीएसपी है। किधर साईं? यहां दिल्ली में? नहीं, असम में। तुम सफा चढ़े है बाबा। अरे कभी तो दिमाग भी इस्तेमाल कर लिया कर चावला। एक बात पूछे, कोई तो रास्ता होगा हमरे बबलू के पापा को बचाने। चिंता मत करो बहन, हम महंगी से महंगी कोशिश करेंगे, अगर बलदेव जी को कुछ नहीं होने देंगे। भैया अभी अभी तक घर नहीं आए। एक बात पूछे, पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रहे हैं। बबलू के पापा को बचाए के खाते सबूत ढूंढने के लिए अभी भैया भी परेशान हो रहे हैं। आंटी जी अब बिल्कुल भी टेंशन मत लो, यम जी है ना वो सब ठीक कर देंगे। देख लेना कोई ना कोई सुराग जरूर मिल जाएगा, डोंट वरी। इधर देखो, हम हर जगह देखेंगे, कोई भी जगह नहीं छोड़ेंगे और उस आदमी को ना ढूंढ ही लेंगे। आप सब लोग कितने अच्छे हैं। हम बस एक ही उम्मीद करते हैं कि आप सबकी प्रार्थना काम आ जाए और हमारे भैया को कोई सबूत मिल जाए हमारे बबलू के पापा को बचाने के लिए। किंतु पुत्र, हम ये कैसे मान ले कि इस बात जो आप कह रहे हैं वो सत्य है? हम जानते हैं कि आप हमसे नाराज होंगे,
लेकिन कसम से हम मानते हैं कि हमने गलत किया। क्या हमें अपने पाप धोने का कोई हक नहीं है? क्या हम आपकी मदद करके एक अच्छे इंसान नहीं बन सकते हैं क्या? अवश्य, किंतु आप हमारी सहायता करेंगे कैसे? हमने रघु शास्त्री की लाश ढूंढ ली। फिर वही बात पुत्र, जो आदमी जीवित है उसकी लाश कैसे ढूंढेंगे? अरे सर, आप इतनी गारंटी के साथ कैसे कह सकते हैं कि वो जिंदा है? हमारी बात मानिए तो सही है। आप चल के देखिए, वहाँ झाड़ियों के पीछे पड़ी है उसकी लाश। चित्रगुप्त जी, दोनों पुत्र इतना आग्रह कर रहे हैं तो आइए आज एक जीवित व्यक्ति की लाश भी देख लेते। चलिए। प्रभु, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जीवित लाश जंगल के अंदर तक पहुंची कैसे। थोड़ी देर में सब समझ में आ जाएगा चित्रगुप्त जी। चलिए चलिए प्रभु। बस इससे आगे नहीं जा पाएंगे। उस झाड़ी के पीछे लाश पड़ी है। क्या है, हम लाश देख नहीं पाएंगे। कमजोर दिल के आदमी है ना हम। हाँ, आप लोग जाइए, हम यहीं रुकते हैं। ठीक है चित्रगुप्त जी, हम चलते हैं। वैसे भी हमारा तो रोज का है। चलिए प्रभु चलिए। रोज का है? अरे हो सकता है कि ऐसा कहना चाह रहे हो जैसे हमारा तो रोज का है, जैसे रह गया होगा। प्रभु प्रभु, आइए प्रभु आइए। आराम से चित्रगुप्त जी। जी प्रभु जी जी, संभल कर प्रभु। चलिए चित्रगुप्त जी। जी प्रभु, आहिस्ते आइए। चित्रगुप्त जी, प्रभु ये मनुष्य अभी भी जीवित किंतु कदाचित बेहोश हो गया। हाँ प्रभु, इसे उठाना होगा चित्रगुप्त जी। आइए जी। मनुष्य मनुष्य, उठो उठो पुत्र, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, तुम मरे नहीं हो, तुम अभी तक जिंदा हो पुत्र, उठो, देखो तुम्हारी आंखें भी तो खुली है पुत्र, उठो उठो। प्रभु उठ नहीं रहा, प्रभु उठो पुत्र। चित्रगुप्त जी, उसे छाती पर मारिए, उठ जाएगा। ठीक है प्रभु, उठो पुत्र। क्या कर रहे हो, मारी डालोगे क्या? ए, मर गया मर गया। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु, ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे आप उसे मालिश दे रहे हैं। प्रभु नहीं, मैं तो उठाने की कोशिश। उठाओ प्रभु, देखो ये उठ रहा है लेकिन फिर से बेहोश हो रहा है। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु, आप हटिए, हम स्वयं इसे उठाएंगे। प्रभु पुत्र उठ जाओ पुत्र। चित्रगुप्त जी। प्रभु हमें लगता है कि हमें इन्हें उठाना ही होगा, आखिर बलदेव पुत्र की जिंदगी का सवाल। प्रभु, इंद्रदेव के आने का संकेत। हाँ चित्रगुप्त जी, बिजलियां तो कड़काई किंतु आवाज नहीं आई। ये इंद्रदेव भी ना प्रभु, आवाज करना भूल गए होंगे। चलिए छोड़िए, हम इस मनुष्य को उठाते हैं। आओ। होश आ गया भाई, होश आ गया। मुबारक हो चित्रगुप्त जी। मुबारक हो प्रभु। पुत्र आप ठीक है? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस बस है ना, चक्कर आ रहा है। भाई साहब मैं कहाँ हूँ भाई साहब, और मैं यहाँ पर कब से बेहोश हूँ? पुत्र आप कहाँ हैं ये हम नहीं जानते, आप कब से बेहोश हैं ये भी हम नहीं जानते, हम
केवल इतना जानते हैं कि लोग समझते हैं कि आप मर चुके हैं। हाँ, हाँ और तुम्हारे खून के इल्जाम में हमारे जीजा जी बबलू पापा पुलिस स्टेशन में बंद है। अच्छा भाई साहब, मैंने जिंदगी में बहुत बुरे काम जरूर किए हैं भाई साहब, लेकिन मेरी वजह से कोई भला मनुष्य फांसी के फंदे पर चढ़ जाए ये मैं नहीं देख सकता भाई साहब, नहीं देख सकता भाई साहब। मैं ना अभी पुलिस स्टेशन जाता हूँ और वहां जाके सब कुछ सच सच बता देता हूँ भाई साहब। तब तक ना आप दोनों घर जाइए और मैं आपके जीजा जी को लेके घर आता हूँ भाई साहब। अद्भुत अद्भुत पुत्र, धन्यवाद है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। चित्रगुप्त जी, जी हम ना कह देते मनुष्य को केवल एक अवसर की जरूरत है सही रास्ते पर चलने के लिए। ये देखिए उसका उदाहरण। चलिए हम घर जाके बहन को एक खुशखबरी देते। हाँ प्रभु, आप ले अवश्य आएंगे ना? हाँ, मैं लेके आता हूँ ना, आप चलिए ना। धन्य है आप। धन्यवाद पुत्र। बहुत धन्यवाद जी। भाई भाई, अगर आप एक्टर होते ना तो लाश का रोल हर बार आपको मिलता, कसम से। अब तुम दोनों फौरन पुलिस स्टेशन जाओ और जैसा मैंने कहा है बिल्कुल वैसा। हाँ, बड़े आए थे मुझे पकड़ने वाले, नौटंकी पास। अब देखो मैं क्या करता हूँ। साहब, भगवान झूठ ना बुलवाए, मुझे तो इन दोनों पे पहले से ही शक था, इसलिए तो हमें फंसाने के लिए पीछे पड़े हुए थे हमारे, कसम से। हाँ सर, इसलिए हमने उन दोनों का पीछा किया और देखा कि वो दोनों वही गए जहां पे लाश छुपाई थी जंगल में, और लाश को एक गाड़ी में डाला और सर जाने कहां ले गए। साहब मामला एकदम क्लियर है, रघु को मारा बलदेव ने और लाश छुपाई इन दोनों ने। सच कह रहा हूँ भाई, कानून की मदद करके बड़ा सुकून मिला है। चलो आ बैठो। राज और चित्रगुप्त ऐसा कैसे कर सकते हैं? गुप्ता जी जाओ। यस सर। अभी चंद्रपुरी जाओ, इन दोनों को यहां थाने लेकर आओ। यस सर। चलो पांडे। सुनिए समझी जी। हाँ जी। कल से आपने कुछ खाया नहीं है, थोड़ा सा खाना खा लीजिए। नहीं समधन जी, जब तक बलदेव घर वापस नहीं आ जाता अन्न का एक दाना भी गले से उतरेगा नहीं। खाना खा लीजिए दादाजी। भैया। हाँ, क्योंकि बबलू पापा बहुत जल्दी घर आने वाले हैं। बात कर रहे हैं आप? एक बात पूछे भैया, वो बबलू के पापा निर्दोष साबित हो गए? हाँ बहन, हमें रघु शास्त्री जी मिल गए। वो जीवित है और इस वक्त पुलिस स्टेशन में वो सच्चाई बता रहे होंगे, और पुलिस किसी भी क्षण बबलू के पापा को लेकर घर आ रही होगी। ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने। जुग जुग जियो, जुग जुग जियो। दादाजी हम तो बस कितने युगों से जी ही रहे हैं। क्या क्या बोलते रहते हैं ये। ये लीजिए, निरीक्षक बबलू पापा को लेकर आ गए। हो गया भाई, प्रणाम पुत्रों। यमराज चित्रगुप्त, तुम दोनों को रघु शास्त्री की लाश छुपाने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.